पता पूछने के बहाने नाबालिग का अपहरण कर मारपीट कर मोबाइल सहित छीने पैसे, मां पहुंची एसपी के पास, लगाई न्याय की गुहार। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में इंद्र कॉलोनी में रहने वाले महिला ममता परिहार ने एसपी को दिया आवेदन में बताया कि उसका बेटा ऋषभ परिहार कल्ला जूस वाले के पास बैठा हुआ था, जहाँ पर 8 से 9 लोग आए और राजवीर का पता पूछने लगे। जब उसने कहा मुझे नहीं पता तो आरोपियों ने उसको ज़बरदस्ती बाइक पर बैठा कर सड़ रोड पर ले गए, जहां उन्होंने उसकी मारपीट करते हुए उसके पास रखा मोबाइल और पैसे छीन लिए। जब मां ने अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन लगाया तो आरोपी ने बताया कि उसका बेटा सड़ रोड पर डला है, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। जब मां ने अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन लगाया तो आरोपी ने बताया कि उसका बेटा सड़ रोड पर पड़ा है, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे को लेकर थाने गए, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, पर कोई सुनवाई न होने के चलते एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम ममता परियार। आज आप एसपी ऑफिस आए हो, किस समस्या को लेकर आए? मेरे बच्चे का अपहरण किया सड़क के लोगों ने और मारपीट की इसके साथ। तो इसकी शिकायत आपने थाने वगैरह पर की? की, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं थाने पर? बोल रहे हैं कोर्ट करेगा फैसला। कोर्ट करेगा, आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। तो आरोपी कहाँ के? आरोपी है सड़क के बदरवास के पास सड़ गाँव। क्या नाम है? उनका नाम है जय मंडल दिग्विजय सिंह और उनके बच्चे। किस तरीके से अपहरण किया उनका? एक कल्ला जूस वाला है बदरवास में, उसके यहाँ से उसकी दुकान पे से ले गए इसको, उठा के दो जने गाड़ी पे बिठा के बीच। अच्छा, काम करते? नहीं, वो तो जूस पीने गया था। जूस पीने गया था उसी टाइम में अपहरण कर लिया। तो क्या कह के ले गए, जबरदस्ती ले गए या कुछ कह के? नहीं, राजवीर का घर बता दे हमें। अच्छा, धोखे से ले गए। फिर क्या किया इसके साथ? इसके साथ मारपीट की बदरवास से आउट में उनकी रास्ता में ले जाके सड़ रोड पे। तो कोई पुरानी रंजिश या किस कारण? नहीं, हमारी उनसे कोई रंजिश नहीं थी, ना ही हम उनको जानते हैं और ना पहचानते, ना कोई रंजिश थी। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं? वो सड़ के। और आप कहाँ के रहने वाले? हम बदरवास। बदरवास कौन सी जगह? क्या कोई गांव? क्या प्रॉपर बदरवास में? प्रॉपर बदरवास। तो आज एसपी ऑफिस आई हो आप, अब क्या चाहते हो? अब हमें न्याय मिल जाए हमारे बच्चे को, उसके साथ हुआ है। उन लोगों का पुलिस कुछ नहीं कर रही है उनके साथ, मतलब हमारे बच्चे के साथ मारपीट की है तो उनका कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही।